जय हिंद बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। और बच्चों आज हम जो भी काम करेंगे ना अपनी हिंदी की बुक में ही करेंगे। बच्चों इससे पहले हमने देखो बड़े की मात्रा को शब्दों को करा था जो कि अपनी कॉपी में करा था। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है, बुक के पेज नंबर 15 पे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। रामू मदारी भालू लाया, कालू आया लालू आया। रामू भालू नाच रहा था, भालू झूला झूल रहा था। बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। इन चित्रों को देख के शब्दों को हमें पूरा करना है। यहाँ पे देखो चूहा बना हुआ ना, तो हमें यहाँ पे चा और बड़े की मात्रा लेके शब्द को पूरा करना है। क्या हो गया? चूहा, क्योंकि हा पहले से ही लिखा हुआ था। यहाँ पे देखो तर लिखा हुआ है और जा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? बा बड़े की मात्रा, बू तरबूज, यहाँ तरबूज बना हुआ ना। अब यहाँ पे देखो भालू बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे देखो वहाँ पहले से ही लिख रखा है, तो हमें ला और बड़े की मात्रा भालू भालू। अब यहाँ देखो मूली बनी हुई है, तो हमें क्या लिखना है? माँ बड़े की मात्रा ला पहले से ही लिखा हुआ था, तो क्या हो गया? मूली। अब बच्चों यहाँ देखो रंगीन छपे अक्षर पर बड़े की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। ये जो रंगीन अक्षर है ना, इन पे हमें बड़े की मात्रा लगा के शब्द को पूरा करना है। फा के नीचे लगाई तो क्या हो गया? फूल। और खा के नीचे जा के नीचे लगाएंगे तो क्या हो गया? ख जू र खजूर। अब ला के नीचे लगाएंगे तो क्या हो गया? आ लू आलू। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद याद करना है, और प्लीज पेरेंट्स आप अपने बच्चों को याद कराएं और इनकी डिक्टेशन बोलें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो शब्दों को ठीक करके लिखिए। ये देखो शब्दों को खराब कर रखा है ना, इनको ठीक करके हमें लिखना है। ये देखो जैसे बता रखा है ना, लिखा चूरन, तो बड़े की मात्रा लगा के हमने क्या लिखा है? सही से चूरन। अभी देखो यहाँ पे छोटे की मात्रा लगा रखी, लेकिन यहाँ पे बड़े की मात्रा लगी, ख जू र खजूर। अभी यहाँ पे देखो तू फा न तूफान, गलत मात्रा लगा रखी है, यहाँ पे बड़े की मात्रा आएगी। अब बेटा देखो यहाँ पे भी बड़े की मात्रा आएगी, सू र ज सूरज। अब यहाँ पे भी बड़े की मात्रा आएगी, तराजू तराजू। ऐसे बच्चों यहाँ पे करना है हमें, दूसरा दूसरा पालतू, इन सब पे हमें बड़े की मात्रा लगानी है। खुशबू खुशबू, आलू आलू, नाखून नाखून। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा है ना सुंदर सुंदर, वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। जय हिंद बच्चों।